करके सरकार को बताना होगा कि हम सब बेरोजगार युवा शांत नहीं बैठेंगे और सरकार तक बात पहुंचाने के लिए निरंतर इसी तरीके अहिंसावादी गांधीवादी तरीके से अपनी बात सरकार तक रखेंगे। आपने देखा होगा कि सरकार चुनाव से पहले रजत सचान जी, अनिल सिंह जी, आकाश जी, पवन जी सभी लोगों ने और प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े सभी विभाग वालों ने अपनी बात सरकार तक रखी, लेकिन किसी की भी बात सरकार ने नहीं मानी। उस समय केवल मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया कि हम आपकी बात को रखते हैं और सरकार आने के बाद आपकी मांग को पूरा करेंगे। उसी प्रकार मैं आप सबको एक घटना की याद दिलाता हूँ। चुनाव से पहले जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लाखों हजारों जब अपने जिले में प्रतिक्षु रोड पे उतरे, तब शिक्षा मंत्री उस समय सतीश द्विवेदी जी थे। उन्होंने कहा हम 17,000 का विज्ञापन लिखित रूप में आपको आश्वासन देते हैं और जल्द से जल्द आपका भर्ती का विज्ञापन देंगे। किस्मत से ये देखना था कि दो दिन बाद आचार संहिता लग गया, उसके बाद चुनाव हुआ, सतीश द्विवेदी जी हार गए। फिर नए शिक्षा मंत्री बने संदीप सिंह जी, जिनको बनी बनाई कुंडली जैसे नहीं होती है। कल्याण सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, कल्याण सिंह जी के पात्र जब नए शिक्षा मंत्री बने तो उनको क्या पता कि एक बेरोजगार का दर्द क्या होता है। एक बेरोजगार का दर्द उसके माँ बाप जानते हैं, और जो 10x10 के कमरे में जब वो बेचारा अपने आधी जिंदगी बिता देता है नौकरी के लिए, तब उसकी आत्मा से पूछो क्या होता है दर्द। अब उनसे जब हमारी टीमें सभी लोगों ने मुलाकात करना चाहा, तो वहाँ पर संदीप सिंह जी कहते हैं कि अभी हमारा अनुपात समानुपात बराबर चल रहा है, अभी हम भर्ती नहीं दे सकते हैं। तो माल सबसे पूछना चाहते हैं क्या संदीप सिंह जी